अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू कमल किचन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है बड़े मज़ेदार से चिकन बंस की रेसिपी। तो आप इसको इजीली घर पे बना सकते हैं, और अगर आपने ये रेसिपी फॉलो की तो आप बाहर के बंस, चिकन बंस भूल जाएंगे। बहुत ही लजीज बनते हैं ये, तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मुझे चाहिए मैदा 2 कप। यहाँ मैंने ले लिया है ईस्ट, खमीर 2 टेबल स्पून, नमक 1 टीस्पून, पिसी हुई चीनी 1 टेबल स्पून, ऑयल 1 टेबल स्पून, दूध ले लिया है 1/3 कप, अंडा 1 अदद, और नीम गर्म पानी 1 कप लिया है, लेकिन पूरा इस्तेमाल नहीं करना है, जितनी हमें ज़रूरत होगी उतना हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैदे में ये खमीर, ईस्ट, नमक, चीनी को मिलाकर अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी, और अब इसमें ये अंडा ऐड कर दूँगी और इसको भी मिक्स कर लेती हूँ। दूध, और अब आहिस्ता आहिस्ता करके ये पानी ऐड करूँगी जितनी हमें ज़रूरत होगी, और इसको एक सॉफ्ट सा डो हमें तैयार कर लेना है। तो देखें, इसको मैंने गूँध लिया, और इसमें मेरा 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी यूज़ हुआ है, और अब इसमें आखिर में मैं ऑयल यूज़ करूँगी। इसको अच्छे तरीके से गूँध के राइस होने के लिए थे। अच्छा, एक बात आपको बताती चलूं कि जो हमने डो तैयार की है इसको हमने कम से कम 2 घंटे पहले तैयार करना है, गूंदना है, क्योंकि इसको हमने राइस करना है, और मौसम अगर ठंडा है तो राइस होने में टाइम ज़्यादा लगता है, और अगर मौसम गर्म है तो आपका ये जो आपकी डो है ये बहुत जल्दी राइस हो जाएगी। तो अभी तो मौसम ठंडा है, तो ये मैं कम से कम इसको 2 घंटे के लिए रख दूंगी इसको ढककर। अब इसको मैं इस तरह के रैप करके 2 घंटे के लिए छोड़ दूंगी, और इसको हमने फ्रिज में बिल्कुल नहीं रखना है, इसको घर किसी गर्म जगह पे ही रखना है ताकि ये फूल जाए, अपने साइज़ में डबल हो जाइए। डो हमारी राइस हो रही है, तो जब तक हम चिकन फिलिंग तैयार कर लेते हैं तो उसके लिए मुझे चाहिए चिकन का कीमा, ये 1/2 kg है, टोमेटो केचप 2 टेबल स्पून, प्याज 1 दरमियाने साइज़ की और इसको बारीक चॉप कर लिया है, नमक हसबे जायका, लाल पिसी हुई मिर्चें 1 टीस्पून, काली मिर्चें 1/2 टीस्पून, ओरिगिनो 1/2 टीस्पून, सोया सॉस 1 टेबल स्पून, मस्टर्ड पेस्ट 1 टेबल स्पून, और अदरक लहसुन पेस्ट 1 टेबल स्पून, ऑयल 2 टेबल स्पून। ऑयल गरम हो जाए तो उसमें हमने ये प्याज डालनी है, और इसको 1-2 सेकंड के लिए फ्राई करना है, और अब इसमें मैं ये अदरक लहसुन पेस्ट डाल दूंगी, इसको भी 1-2 सेकंड के लिए भून लूंगी। 1-2 सेकंड भूनने के बाद इसमें अब ये कीमा ऐड कर दूंगी, जब तक इसका कलर चेंज हो जाता है हमें उस वक्त तक पकाना है। और अब इसमें शामिल करूंगी ये टमाटो केचप, नमक, लाल पीसी हुई मिर्चें और काली मिर्चें, इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अब इसमें ऐड कर रही हूँ सोया सॉस, और
मस्टर्ड पेस्ट, और आखिर में इसमें ऐड करूंगी ओरिगेनो। और इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स करके सिर्फ अब हमें इसको ढककर 10 मिनट के लिए पकाना है। वैसे तो ये बहुत जल्दी गल जाता है, चिकन का कीमा है ये। और अब इसको मैं ढककर 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, ये तैयार हो जाएगा। 10 मिनट पकाने के बाद ये बिल्कुल तैयार है, और आखिर में हम इसका फ्लेम बंद कर देंगे। और अब मैं इसमें ये ऐड करूँगी शिमला मिर्च। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है इसका फ्लेवर तो आप डाल दें। और अब इसको अच्छी तरीके से मिलाकर इसको साइड में रख देंगे। और अब इसमें मैं ये जो चीज़ है मोज़रेला चीज़, इसको श्रेड करके डाल दिए हैं, ग्रेट करके, और इसको अच्छी तरीके से अब मिक्स कर लूँगी। तो डोप हमारी तैयार है, आप देख सकते हैं ये अपने साइज़ में डबल हो गई है और बहुत अच्छी तरीके से राइज हो गई है। और अब इसकी मैं सारी एयर निकाल दूंगी। और इसको अब मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर लूंगी। और अब इसको इक्वली मैंने पेड़े बनाने हैं। तो ये देखें मैंने इसके पेड़े बना लिए हैं। अब मैं इस एक को लेकर हल्का सा इसको बेलूंगी। और इसमें ये जो चिकन की फिलिंग है ये रखूंगी। और इसको अब बहुत अच्छी तरीके से इस तरह से बॉल बना दूंगी। इसको हमने बन ऐसे करना है कि ये अच्छी तरीके से बंद हो जाए। ये देखें ये देखें, इस तरह से हमने सबको तैयार कर लेना है। ये देखें इस तरह से हमें सारों को तैयार कर लेना है। सारे तैयार करने के बाद इसमें मैं अब एक अदद अंडा ले लिया है, उसको अच्छी तरीके से फेंट लिया है और ब्रश की मदद से इस पर लगा दूंगी। और अब इसमें आखिर में मैं ये तिल जो है ये लगा दूंगी, ये डाल दूंगी। आप इसकी जगह ओरिगैनो भी डाल सकते हैं। और अब मैं इसको ओवन में रखने लगी हूँ 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे 30 मिनट के लिए। तो देखें 30 मिनट बेक करने के बाद हमारे ये चिकन बंस बिल्कुल तैयार है। आप ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ, बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।